एक सवाल ये आया कि पूरे हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कभी सरकार नहीं चलाई, मनमोहन सरकार में जो सलाहकार परिषद था, जो सरकार चलाती थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, और 14 सदस्य थे। और दीपक जी, आप लिस्ट उठाओगे तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े माओवादियों के समर्थक हैं, तब पता चलेगा। आप कांग्रेस पार्टी बर्बादी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी गारंटी को पूरा करने वाली गारंटी। आपका पहले कांग्रेस था फिर आम आदमी पार्टी, तो अलग अलग लड़ रहे हो ना, कि साथ में लड़ रहे हो? अलग अलग लड़ रहे हो, अलग अलग पूछेंगे। एनडीए का मतलब है नेशनल डिजास्टर अलायंस। तो ना बिगाड़ो, नाम नहीं बिगाड़ना शो में, हमारे शो में नाम नहीं बिगाड़ा जाएगा। आपको भी वो वही कहेंगे जो है, वो भी कहते हैं हमारा नाम बिगाड़ कहते होंगे, यहाँ वही कहो। मैं वही सिला ना, नेशनल डिजास्टर अलायंस कह सकता हूँ मैं इनको, एनडीए नहीं कह रहा हूँ, नेशनल डिजास्टर। रोना नहीं, क्या अपनी बारी में रोना नहीं? हंस रहे हैं ना, खेल है भी, खेल में तुम कहोगे नहीं, अभी खेल का नियम बदलो। नहीं, चलो, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा था शिशुपाल को 100 गाली दे लेना, अंत कर दूंगा 100 के बाद। हाँ। तो जनता कह रही है मोदी जी आप 100 गालियां दे लो, कांग्रेस को जितना देना है, लेकिन अंत कर दूंगा मैं आपका। तो मोदी जी की सरकार का अंत समय आने वाला है, इसलिए दिया ज्यादा जल्दी जल रहा है, तेजी से जल रहा है। और एक बात आपको बोलता हूँ, आप कितना भी गाली दीजिए राहुल गांधी, हमारे मामा शिवराज सिंह जो है ना, कमलनाथ जी से घबरा गए इतना। कमलनाथ जी ने कहा हमने 500 रुपए का सिलेंडर देना है। हाँ। तो शिवराज सिंह क्या कहते हैं, अरे भैया हम आएंगे ना तो 400 में देंगे। अरे रोका किसने? आप अभी मुख्यमंत्री हो, 400 में क्यों नहीं देते, ये बताओ देश को। जी, इनको ये अपने नेताओं का बयान ही भूल जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला दीपक जी आपके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये जनता राक्षस है जो सरकार बना रही है बीजेपी की, कौन लोग हैं? और आम आदमी पार्टी ने 2013 में एक लिस्ट जारी की भ्रष्टाचारी नेताओं की, उसमें राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम यादव, और उनकी गोद में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बैठे। देखिए, गारंटी की बात करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल देते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, दो मॉडल चल रहा है देश में, एक मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो गारंटी देते हैं कि अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनाएंगे। दूसरा बीजेपी का मॉडल है, इन्होंने 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। एक मॉडल केजरीवाल जी का है, जो कहते हैं अपने लोगों के लिए गरीब, और एक मॉडल है राहुल गांधी वाला, वो भी बोला करो, पूरा कर देता हूँ। एक मॉडल केजरीवाल जी का, जो अस्पताल बनाने की बात करते हैं, एक मॉडल केजरीवाल जी का, जो कहते हैं अपने लोगों के लिए बिजली पानी मुफ्त करेंगे। एक मॉडल बीजेपी का, जो अपने पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजेंगे, लेकिन मोदी जी अपने 5.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ कर देते हैं। ये मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली का बजट सरप्लस में लेके आते हैं, लेकिन मोदी जी 155 लाख करोड़ का कर देश में चढ़ा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम रखते हैं, 3.5 के आसपास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में महंगाई दर 9% के आसपास है। बेरोजगारी दर दिल्ली में सबसे कम है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुई है। ठीक है, मॉडल आपका मैंने सुना जी। देखिए, जो हमारे मित्र हैं, सूचना देने वाले हमारे मित्र, ये बहुत बढ़िया सूचना देते हैं। इसलिए कह रहे मोदी जी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अरे मोदी जी ने बोला था भ्रष्टाचार जो करेंगे उनको जेल में डाल देंगे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल करके अपने वादे पूरा कर दिए। आप एक बात बताइए, आज दूसरी लिस्ट आ गई है, पहली लिस्ट मध्य प्रदेश में भी 25 पार्टियों की है नहीं, कांग्रेस की आई नहीं है। अभी चेहरे पर इतनी ज्यादा माहौल इन्होंने आपस में बिगाड़ लिया है, जिस दिन वादे पूरे करने की बात आएगी और मोदी जी जिस दिन अपने मुद्दों का पिटारा खोलेंगे, उस दिन कांग्रेस कहाँ जाएगी और अभी 25 पार्टी कहाँ जाएंगे? पहली लिस्ट तक नहीं निकाल पाए, मुद्दे है नहीं, संसद नया संसद बनेगा उस पर विवाद पैदा कर देंगे, सनातन धर्म पर रोएंगे, और जब देश के खिलाफ दुष्प्रचार होगा उस पर भी रोएंगे। आप मुद्दा पूछिए, मुद्दा कायम। जी जी, देखिए बहुत अच्छी चिल्ला चोट हुई है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से चिल्लाए हैं। सवाल लौट घूम करके मुद्दे का वहीं पर आता, फिर मैं आपकी डिबेट को लेकर के आता हूँ। मेरे भाई, जब इतना अच्छा काम करा है मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे या नहीं होंगे, जवाब ही नहीं है। तब तक जनता का बेवकूफ बनाए जाएंगे। राहुल गांधी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे के नाम पर। जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बहुत मृदु भाषिणी होकर के ही बोली हूँ। देखिए, लोग चिल्ला रहे थे तो सुन, ये जो अभी बात कर रहे थे
बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या मेरी कंप्यूटर टॉपिक में स्वाति बिल्कुल तुरंत 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 रिएक्ट करिए। राजस्थान अभी फरवरी का एक आंकड़ा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है 28.3%। राजस्थान राज्य के सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रही हूँ। जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें भी राजस्थानी टॉप में है, फरवरी के आंकड़े की फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 8.6%। और ये मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं बार 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 बार, इनको मैं बताना चाहूंगी कि जो इन लोगों ने मंत्री को और सांसद को उतारा है, ये मॉडल भाजपा का नया नहीं है। यूपी और त्रिपुरा में ये आजमा चुके। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो चुनाव का सहरा माननीय प्रधानमंत्री सर के ऊपर बनेगा या फिर वही से पुराना रोना रोया जाएगा, बेचारे जेपी नड्डा को दोबारा से सहरा पहना दे? और पलट के सवाल हम पूछ लेते हैं कि अगर नहीं बात क्या है मैडम, राजस्थान में तो जा रहे हैं। अरे राजस्थान हिंदुस्तान का पार्ट है, हमने तो कहा था मोदी जी अच्छा नई जानकारी दे रहे हो आज तुम। मैडम बता रहे हैं मतलब मुझे नहीं मालूम था, बिल्कुल नई जानकारी है। हिंदुस्तान इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन ये लोग इंडिया से नफरत करते हैं तो इंडिया को इंडिया नहीं बोल सकते। तो बात है भाजपा की नफरत दिख रही है जनता में। आपने महिलाओं, अरे देखो क्राइम रिपोर्ट, क्राइम ले लो, देखो बीच में मत बोलो यार। देखिए बात यह है कि आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप देश को मुद्दों से बरगलाना चाहते हैं, देश को राजस्थान मध्य प्रदेश में बांटना चाहते हैं, देश को महंगाई बेरोजगारी का आईना नहीं दिखाएंगे, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, देश को मस्जिद और मंदिर में बांटना चाहते हैं। कौन बांट रहा है यार, कहाँ कहाँ का बांट रहा है? जी मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ से आए हैं सर? गाजियाबाद। तो ये कान में क्यों लगाए हैं? निकालिए बाहर आ गया।